सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO में स्नातक पास युवा आवेदन कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि संगठन में प्रवर्तन अधिकारी, लेखा अधिकारी और सहायक भविष्य निधि आयुक्त के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। UPSC कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO में 577 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। आवेदन की प्रक्रिया 25 फरवरी से शुरू हो जाएगी। अभ्यर्थी 17 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। EPFO में नौकरी पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए UPSC की वेबसाइट पर जाना होगा। इस भर्ती के माध्यम से 418 पद एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर के आरक्षित हैं, वहीं 159 पद असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए हैं। इससे पहले इन पदों पर भर्ती 2020 में हुई थी। 2020 में आयोग की तरफ से कुल 421 पदों को भरा गया था। आवेदन करने के नोटिफिकेशन 25 फरवरी को ही जारी होगा। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बैचलर डिग्री कर चुके अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। भर्ती के लिए सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिनकी आयु 30 वर्ष या उससे कम होगी। हालांकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में केंद्र सरकार के नियमानुसार छूट भी दी जाएगी। भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। प्रभात।